नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। काशिंद विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सरसुंदरलाल चिकित्सालय में एक बार फिर चिकित्सकों की लापरवाही से बीमार नर्स ने दम तोड़ा, जिसके विरोध में परिजनों ने कुलपति आवास का घेराव किया। कहने को तो 15 अगस्त तक बीएचयू को एम्स का दर्जा मिलने वाला है, पर अस्पताल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी बीती शाम बीएचयू के एमएस ओपी उपाध्याय के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था कि सोमवार की सुबह अस्पताल प्रशासन के लापरवाही से एक नर्स की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार बलिया निवासी मंजू सरसुंदरलाल चिकित्सालय में नर्स के पद पर कार्यरत थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि अस्पताल प्रशासन सही समय पर बेड उपलब्ध करा देता तो उसकी जान बच सकती थी। हेलो, क्या बोलना है? ओके, तुमको बता दे रहा है। यहाँ प्रशासन ने तो बहुत लापरवाही की है। यहाँ परमानेंट स्टाफ थी और ये लोहिला वाली लगा दे रहे कि वेंटिलेशन नहीं है, ये नहीं होने का। बार बार चिल्लाते रहे सर बचा लीजिए बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। भतीजे भतीजी है, मेरे भैया अकेले लेके परेशान थे, लेकिन इन लोगों ने कोई इंजाम पे कोई काम नहीं सुना। उन लोगों को रात भर परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टाफ की ना तैयार, स्टाफ पे कोई हल नहीं। परिजनों का कहना है कि आईसीयू में बेड के लिए 6 घंटे तक इंतजार करने के बाद बेड मुहैया नहीं कराया गया, जिसके कारण इलाज के अभाव में नर्स ने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर स्टाफ नर्सों में आक्रोश फैल गया। वही इमरजेंसी में वेंटिलेटर लगा दिया गया था और आईसीयू में बेड की प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप ये समझिए कि ऑलरेडी जो मरीज हैं उनको तो हटाया नहीं जा सकता जी। वो इंतजाम किया गया, लेकिन जब तक इंतजाम हो तब तक अनहोनी हो। आरोप ये भी लगाया गया है कि जब यहाँ के नर्सिंग स्टाफ को ऐसी बेड नहीं मिल पा रहा है तो फिर आम जनताओं क्या हाल होगा। हालांकि अब कहना सही है कि मरीज जब हैं तो उनको हटा के कोई भी वीआईपी हो तो उनको बेड नहीं दिया जा सकता। देखिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी संख्या यहाँ की बढ़े आईसीयू बेड की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 10% बेड जो है आईसीयू का होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का। तो हमारा 1900 करीब है, तो कम से कम 190 बेड का होना चाहिए। हमारे पास 16 बेड का है। ये इमरजेंसी के लिए आप कोई ना कोई ऐसा तो व्यवस्था होगा जो इमरजेंसी कैसे जाए और उसको आईसीयू मिल जाए। नहीं, इमरजेंसी में आईसीयू की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आईसीयू तो ऑलरेडी इमरजेंसी होती है। नहीं, क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। अगर मान लीजिए क्रिटिकल पेशेंट आ रहा है सर, उसको एकदम नीड है, वो उसको नीड है, तो उसके लिए इसीलिए इमरजेंसी में वेंटिलेटर रखा गया है कि उसको इमीडिएट वहाँ हेल्प मिल जाए जब तक की बेड का अरेंजमेंट हो। वाराणसी के कैंट जीआरपी ने मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टेशन के समीप से 10,000 के इनामी बदमाश राजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया अभियुक्त मिर्जापुर जनपद के थाना जमालपुर का निवासी है। यह विगत 2 वर्षों से फरार चल रहा था। सोमवार को जीआरपी थाने में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जीआरपी प्रभारी ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए अभियुक्त को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि यह सातर किस्म का अपराधी है। उसने 3 लोगों के नाम प्रकाश बनाए थे, चंद्रभूषण श्रीवास्तव और आशीष शर्मा। 2 कुकुरों में जेल भेजा जा हुआ था। वर्ष 2016 से फरार चल रहे राजन सिंह, ये जमालपुर थाना पड़ता है मिर्जापुर, वहाँ के निवासी हैं और ये 2016 से फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रसिद्ध था। न्यायालय द्वारा इनको मकबूल घोषित किया गया था और पुलिस अधीक्षक रेलवे इलाहाबाद द्वारा 10,000 के नाम इनके ऊपर घोषित था। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई भैया? ये रोडवेज बस स्टैंड जो आपका सिग्राम पड़ता है, राजन सिंह पुत्र राम सूरत सिंह, ये मदरा गांव पड़ता है जमालपुर थाने में मिर्जापुर के, वहीं के निवासी हैं। इनकी गिरफ्तारी कल शाम। बीएचयू की आईआईटी के उद्यमिता एवं संवर्धन केंद्र के मालवीय नवप्रवर्तन सभागार में प्रोफेसर पीके मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आयोजकों द्वारा भारतीय जैविक गैस संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले बायोगैस प्रौद्योगिकी विकास कार्यान्वयन और सबस्ट्रेट विश्लेषण विषय पर आधारित 12 दिवसीय कार्यशाला एवं सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि MCIIE में 2 से 13 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।